रंग कर्मी मित्रों, रंग नमन, मैं पुनः एक बार आपके बीच अपील करने आया हूं कि कोरोना वायरस से हुई तालाबंदी के कारण रोजगार के संकट उत्पन्न हुए हैं। निश्चय ही हम कलाकारों के भी अपने परिवार हैं और हमारे भी समक्ष रोजगार के संकट उत्पन्न हुए हैं। तालाबंदी के कारण तमाम सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य बंद हैं, जिससे रंगाभिनय, गायन, वादन, नृत्य, संगीत सभी बंद पड़े हैं, जिसके कारण कलाकारों के समक्ष रोजगार के संकट उत्पन्न हुए हैं। हमने इस तालाबंदी के दौरान कलाकारों की दयनीय स्थिति की ओर भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए विगत 19 मई को 10 बजे तक उपवास रखकर हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित पत्र प्रेषित किए थे, परंतु लगता है कि हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने में विफल रहे। इसलिए पुनः एक बार ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल आपसे अपील करता है कि 11 जून को 11 बजे तक उपवास रखकर कलाकारों की भी सुधी लो सरकार के नारे के साथ उपवास में बैठेंगे और अपने अपने मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री महोदय के नाम संबोधित, कला संस्कृति मंत्री को संबोधित पत्र उपायुक्त को प्रेषित करेंगे और मांग करेंगे कि कलाकारों को इस आर्थिक पैकेज की घोषणा करें और उन्हें मदद करें। कलाकारों के लिए जिलावार रोस्टर तैयार कराएं। कलाकारों के लिए जिलों में सप्ताह में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिससे रोजगार का सृजन होगा। कलाकारों के लिए और अनुभवी कलाकारों के लिए फेलोशिप का दायरा बढ़ाया जाए और सरकारी संस्थानों में, विद्यालयों में नाटक नृत्य के शिक्षक बहाल कराए जाए। इन अन्य मांगों के सवाल पर हम 11 जून को 11 बजे तक उपवास रखकर प्रधानमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री और कला संस्कृति मंत्री के नाम पत्र प्रेषित कर आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। हम देश के विभिन्न रंगकर्मियों, रंग संस्थाओं, कला मंडलों से भी अपील करते हैं कि इस अभियान में आप शामिल हों, अपने तमाम मतभेदों को भूलकर 11 जून को 11 बजे तक उपवास रखकर कलाकारों की भी सुधी लो सरकार के नारे के साथ एक मंच पर आए और कलाकारों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग पर दबाव बनाने के लिए एकजुटता का परिचय दें। धन्यवाद। जय रंगकर्म, रंग नमन।